नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ किसान भाइयों के लिए, जो खेती का काम करते हैं उन किसान भाइयों के लिए 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक फोकस जाने वाली और साथ में ही मोबाइल फोन्स को चार्ज करने वाली एंस लाइट की तेजास टॉर्च लाइट प्लस मोबाइल पावर बैंक। और ख़ास बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है। इस टॉर्च को मेरे पास आए हुए 1 महीना हो गया है और 1 महीने से ही मैं इस टॉर्च को यूज़ कर रहा हूं, और मुझे लगा कि इस टॉर्च पे वीडियो बनाना चाहिए। टॉर्च अच्छी है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको इस टॉर्च की खूबी और कमी, जो मुझे लगा कि इस टॉर्च में ये कमी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये है एंस लाइट कंपनी की तरफ से आने वाली तेजास टॉर्च लाइट विथ पावर बैंक। दोस्तों, इस टॉर्च के जैसी ही एक एंस लाइट की और भी टॉर्च आती है सेम इसी मॉडल में, वो तेजास शक्ति नाम से आती है, लेकिन उसके वाट तेजास से कम है। इस टॉर्च से उसके वाट कम है। दोस्तों, ये टॉर्च आपको 6 अलग अलग कलर में मिल जाएगी। फिलहाल जो मेरे पास है वो ऑरेंज कलर में है। इस टॉर्च में दोस्तों जो SMD LED लाइट बल्ब है वो एक जापानीज बल्ब है। और दोस्तों, इस टॉर्च के अंदर 3.7 वोल्ट 13,200 mAh की लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके अंदर लीड एसिड बैटरी नहीं है, लिथियम आयन बैटरी दी गई है इस टॉर्च के अंदर। दोस्तों, इस टॉर्च की जो प्राइस है वो 2,495 रुपये दी गई है इसके डिब्बे के ऊपर। और इस टॉर्च को आप ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदते हो तो ये टॉर्च आपको 2,400 रुपये तक मिल जाएगी। और दोस्तों, इस टॉर्च को आप 5 वाट 5.6 वोल्ट के सोलर पैनल से भी आप इस टॉर्च को चार्जिंग कर सकते हो। इस टॉर्च का बॉक्स ओपन करते ही एक चार्जर देखने को मिलता है। ये चार्जर दिया गया है इस टॉर्च को चार्जिंग करने के लिए। ये यहाँ पर चार्जर पर एंस लाइट की ब्रांडिंग दी गई है, और ये 5 वोल्ट और 2.4 एम्पियर का चार्जर है। दोस्तों, ये एक ड्यूल चार्जर है। दोस्तों, इसमें 2 USB पोर्ट दिए गए हैं, इससे आप मोबाइल फोन्स को भी चार्ज कर सकते हो और टॉर्च लाइट को भी चार्ज कर सकते हो। इस चार्जर के साथ साथ इस बॉक्स में हमें एक माइक्रो USB 2 USB केबल भी मिल जाती है, और एक मिल जाता है यूजर मैनुअल। और ये है हमारी एंस लाइट की कंपनी की तरफ से आने वाली तेजास टॉर्च लाइट विथ पावर बैंक। इस टॉर्च में यहाँ पे एंस लाइट की ब्रांडिंग दी गई है। दोस्तों, इस टॉर्च की जो बॉडी है वो एक प्लास्टिक की ABS प्लास्टिक की एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है। और टॉर्च के इस साइड में है 2 वाट की इमरजेंसी लाइट। ऊपर की साइड में टॉर्च के बेल्ट दिया गया है। दोस्तों, इस टॉर्च का जो वजन है वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें लिथियम आयन बैटरी दी गई है, इसलिए इस टॉर्च का वजन है वो कोई ज़्यादा नहीं है। 600 ग्राम ही इसका वज़न है, क्योंकि इसमें लिथियम आयन बैटरी है इसलिए इसमें ज़्यादा वज़न नहीं है। और दोस्तों, ये इस टॉर्च के ऊपर जो स्विच लगा हुआ है मेन लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, ये एक स्ट्रॉन्ग पुश स्विच है। दोस्तों, इसके जो साइड में स्विच है इमरजेंसी लाइट के लिए, वो भी एक स्ट्रॉन्ग स्विच है। दोस्तों, इस टॉर्च में जो साइड में इमरजेंसी लाइट है वो 2 वाट की होने के कारण उसकी भी रोशनी काफ़ी अच्छी है। अभी तो पता नहीं चल रहा है, वीडियो में आगे देखेंगे रात होने के बाद कि इस टॉर्च की रोशनी कैसी है। और ये यहाँ पे जुलाई 2020 लिखा हुआ है, जुलाई 2020 को बनी थी ये टॉर्च। दोस्तों, टॉर्च के पीछे की साइड में एक USB पोर्ट दिया गया है मोबाइल को चार्ज करने के लिए, एक रीसेट का बटन है, और 4 इंडिकेटर LED लाइट दी गई है चार्जिंग के लिए, और एक इनपुट माइक्रो USB का पोर्ट दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब इस टॉर्च को चार्जिंग में लगा के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर चार्जिंग सिस्टम में 4 LED इंडिकेटर लाइट दी गई है, जिसमें 3 फुल है और 1 ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब है ये टॉर्च अभी फुल चार्जिंग नहीं है। ये देखिए, 1 LED अभी भी ब्लिंक कर रही है, और जब ये फुल चार्ज हो जाएगी तो चारों LED
मतलब ऑन रहेगी और ब्लिंक करना बंद कर देगी। दोस्तों इस टॉर्च में ये रीसेट वाला बटन इसलिए दिया गया है कि इस टॉर्च के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे ये टॉर्च से मोबाइल चार्जिंग नहीं हो रहा है या फिर इस टॉर्च में इंडिकेटर लाइट नहीं जल रही है, तो इस बटन को दबाकर आप इस टॉर्च को रीसेट कर सकते हो। चलिए दोस्तों आप इस टॉर्च से मोबाइल फ़ोन को भी चार्जिंग करके देख लेते हैं। ये डाटा केबल मैंने इस टॉर्च के यूएसबी पोर्ट में लगा दी है और ये देखिए दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन चार्जिंग होना स्टार्ट हो गया है और इस टॉर्च में भी जो इंडिकेटर एलईडी लाइट है चार्जिंग वाली वो भी ऑन हो गई है। इससे आपको इस टॉर्च का भी पता चलता रहेगा कि टॉर्च में कितना चार्ज बाकी है और मोबाइल फ़ोन भी चार्ज होता रहेगा। ये देखिए मोबाइल फ़ोन भी चार्ज हो रहा है। दोस्तों इस टॉर्च लाइट से आप मोबाइल फ़ोन चार्जिंग करोगे तो उसमें जो टाइमिंग लगेगा वो 1 घंटा 30 मिनट या फिर 1 घंटा 40 मिनट है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन है तो उसमें इतना टाइम लग जाएगा, 1 घंटा 30-40 मिनट लग जाएगा फुल चार्ज होने में। मेरे पास ओप्पो F15 मोबाइल फ़ोन है, वो मैंने इस टॉर्च लाइट से फुल चार्जिंग करके देखा था तो करीबन उसमें 1 घंटा 40 मिनट लग गया था इस टॉर्च लाइट से फ़ोन को फुल चार्जिंग होने में। दोस्तों अभी रात हो गई है और अब देखते हैं इस टॉर्च लाइट का फोकस कैसा है। वैसे मेरा जो मोबाइल फ़ोन है उसका ये रियर कैमरा इतना अच्छा नहीं है, जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस मोबाइल फ़ोन का जो रियर कैमरा है ये कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है दोस्तों, फिर भी देखते हैं। दोस्तों इस टॉर्च लाइट को आप फुल चार्ज करके और इसका जो मेन लाइट है, जो मेन टॉर्च है, उसको आप काम में लोगे तो वो कंपनी कहती है कि वो 7 घंटे तक चल जाएगी, लेकिन मैंने खुद यूज़ किया है इसे तो 7 घंटे तो नहीं है लेकिन 6 घंटे का बैटरी बैकअप ज़रूर मिल जाएगा। आप इस टॉर्च लाइट को एक बार फुल चार्जिंग करके और जो मेन टॉर्च लाइट है वो आप 6 घंटे तक काम में ले सकते हो। और दोस्तों बात करें इस टॉर्च की इमरजेंसी लाइट की तो वो आप 30 घंटे तक काम में ले सकते हो इस टॉर्च को एक बार फुल चार्ज करके, और आप इसकी जो इमरजेंसी लाइट है वो 30 घंटे तक काम में ले सकते हो। लेकिन इसकी जो मेन लाइट है वो इस टॉर्च को फुल चार्ज करके आप 6 घंटे तक ही काम में ले सकते हो। दोस्तों मुझे जो इस टॉर्च में कमी लगी वो ये है कि इस टॉर्च में जो चार्जिंग के लिए इनपुट है वो एक ही पोर्ट दिया गया है। इस टॉर्च को चार्जिंग करने के लिए जो इनपुट पोर्ट है वो एक ही दिया गया है, कंपनी को 2 पोर्ट देने चाहिए थे चार्जिंग के लिए। और कोई कमी मुझे दोस्तों इस टॉर्च में नहीं लगी। ये टॉर्च अच्छी है, आप इसको ख़रीद सकते हो। अगर आपको 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक फोकस जाने वाली टॉर्च लाइट चाहिए तो आप इस टॉर्च को ख़रीद सकते हो दोस्तों, ये टॉर्च अच्छी है। और दोस्तों यदि आपको 500-700 मीटर की दूरी तक फोकस जाने वाली टॉर्च लाइट चाहिए तो उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैंने इसी कंपनी की 3 टॉर्चें दिखाई हैं, उस वीडियो में एंस लाइट कंपनी की 3 टॉर्चें दिखाई हैं जिसमें नैनो और नैनो पिक्सल जो 500-700 मीटर की दूरी तक फोकस जाने वाली टॉर्च लाइट है, तो उसका भी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों इस तेजास टॉर्च का जो फोकस है वो बहुत ही शानदार है। मेरे जो मोबाइल है उसमें जो रियर कैमरा है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। और कुछ कारण ये भी है कि ये जो रोड है इसमें भी मोड़ ज़्यादा है तो इसलिए फोकस आगे तक नहीं जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे आगे मोड़ है तो इसलिए आगे तक फोकस नहीं जा रहा है, लेकिन इसका जो फोकस है दोस्तों वो बहुत ही तेज़ है। दोस्तों अगर आपको 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक फोकस जाने वाली टॉर्च लाइट चाहिए तो ये एंस लाइट की तेजास टॉर्च सबसे बेस्ट है दोस्तों। और ख़ास बात ये भी है कि हमारे देश का प्रोडक्ट है और एंस लाइट एक विश्वसनीय कंपनी है दोस्तों। और हाँ दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि एंस लाइट टॉर्च आप मार्केट से ख़रीदते हो या फिर कहीं भी ऑनलाइन ख़रीदते हो तो एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो एंस लाइट की टॉर्च होती है ना, चाहे वो 90 रुपये की हो, 500 रुपये की हो या फिर 1000 की हो, 1500 की हो, 2000 की हो, सभी टॉर्चों में जो एंस लाइट नाम है ना वो बॉडी के अंदर लिखा हुआ आएगा, बॉडी के अंदर डिज़ाइन किया हुआ आएगा।
कोई स्टिकर पे लिखा हुआ नहीं आएगा, स्टिकर पे लिखा हुआ आएगा तो साथ में बॉडी के अंदर भी डिज़ाइन किया हुआ आएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि आजकल एंस लाइट की कॉपी करके चाइना कचरा भी बहुत बिक रहा है मार्केट में, तो आप इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जो हमारे वीडियो में दिखाया जाता है और जो बताया जाता है वो 100% सत्य होता है।